प्लस। तो नेक्स्ट क्लास है हम लोग का डीसीयू में, हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है अपना रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है? देखो फ्लिप फ्लॉप पढ़े तो क्या पढ़े, अगर एक भी डाटा कंप्यूटर को स्टोर करना है तो उसको क्या चाहिए, एक फ्लिप फ्लॉप चाहिए, डी फ्लिप फ्लॉप लीजिए। मतलब वही टू एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप था जिसमें कि आप जो डाटा देंगे वो स्टोर करेगा। तो एक फ्लिप फ्लॉप का जो होता है ना, हमें एक बिट स्टोर करने के लिए जरूरत पड़ता है। लेकिन आप कंप्यूटर में कभी एक बिट स्टोर करते हो क्या? सिंगल बिट। आप क्या करते हो? बिट्स स्टोर करते हो। तो ये बिट्स जो स्टोर करने की बात होती है ना, तो बिट्स को स्टोर करने के लिए, सुने हो ना, तुम्हारा कंप्यूटर 16 बिट का है, 32 बिट का है, 64 बिट का है, तो मतलब 64 बिट प्रोसेस कर सकता है ये। तो 64 बिट डाटा को स्टोर करेगा ना, 16 बिट डाटा स्टोर करेगा ना। तो मुद्दा आता है कि आपको जितने बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, खैर इसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। जैसे आपके सीपीयू का अगर आर्किटेक्चर है 64 बिट का, तो फिर 64 बिट से ज्यादा कोई बना नहीं सकते हो आप एक बार में, उससे कम ही रखना पड़ेगा आपको। हाँ, बारी बारी से उसको, उसी मेमोरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहता क्या है कि अगर आपको बिट्स फिर भी स्टोर करना है और उसको ऑपरेशन करना है बिट्स पर, मल्टीपल मेनी नंबर ऑफ बिट, तो फिर जरूरत पड़ेगा, मेरे पास जो बेसिक स्टोरेज कैपेसिटी देता है हमको, वो फ्लिप फ्लॉप ही देता है। तो बस उस फ्लिप फ्लॉप को हमको क्या कर लेना है, इस्तेमाल कर लेना है कैस्केड स्टाइल में। मतलब जितना बिट तुमको रखना है उतना फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्या कर दो, अरेंज कर दो। तो अब क्या होगा, 10 बिट रखना है तो 10 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी आपको, 20 बिट रखना है तो 20 फ्लिप फ्लॉप का जरूरत पड़ा, 40 बिट रखना है तो 40 बिट फ्लिप फ्लॉप का जरूरत पड़ा। तो कहता क्या है, जब आप इसी तरह से फ्लिप फ्लॉप को अरेंज करते हो ना, ग्रुप करते हो ना, फॉर स्टोरिंग मल्टीपल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, देन इट इज कॉल्ड रजिस्टर। रजिस्टर इज नथिंग, रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। बात समझ गए? तो फ्लिप रजिस्टर जो है किस चीज से बनता है, फ्लिप फ्लॉप से बनता है। इसलिए मैंने जब फ्लिप फ्लॉप आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था फ्लिप फ्लॉप इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मेमोरी डिवाइस। तो मेमोरी डिवाइस जो होता है, डिजिटल मेमोरी डिवाइस, वो उसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो आपका फ्लिप फ्लॉप ही है। और जब आप फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन कर दोगे तो वही क्या कहलाता है, रजिस्टर कहलाता है। तो चलो इसका डिफिनेशन हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, नोट्स आप लोग खुद बना लीजिएगा देखते हुए। तो डिफिनेशन लिखने के लिए, रजिस्टर, व्हाट इज रजिस्टर, इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप विथ ईच फ्लिप फ्लॉप इज कैपेबल टू स्टोरिंग वन बिट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन, जिसमें कि हर एक फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक बिट इंफॉर्मेशन रखने के लिए कैपेबल है। n bit register of n number of flip flop and it is capable of storing any binary information of n bit। जैसे कि 10 bit का अगर register है तो 10 bit रख सकता है, 20 bit का register है तो वो 20 bit रख सकता है, okay? In addition to the flip flop, register may have combination bits, combined bits that perform certain data processing tasks। जब बिट्स एक जगह होंगे तब तो डाटा प्रोसेसिंग टास्क आप कीजिएगा। जैसे आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं चार बाइनरी, जैसे कि 10 और 10 को जोड़ना है, तो 10-10 को जब 10 का बाइनरी इंफॉर्मेशन होगा, फिर दूसरे 10 का बाइनरी इंफॉर्मेशन होगा, दोनों को जोड़ोगे तो वो क्या होता है, बाइनरी वर्ड्स होता है ना। तो जब तक आपके पास रजिस्टर नहीं होगा तब तक आप कोई प्रोसेस कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए कहता है कि जो ये होता है ना फ्लिप फ्लॉप से आगे बढ़ते हुए, रजिस्टर में हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स कंबाइंड bits, register may have combined bits that perform certain data processing task, चाहे वो जिस टाइप का हो आपका। In register, flip-flop are arranged in cascade style. मैंने आपको पहले भी बताया है cascade क्या होता है, जैसे task का पत्ता समझ लो, one by one arrange होता है। इसमें क्या होता है, हर का एक fixed position होता है, कोई अपना position change नहीं करेगा। मतलब LSB अपने जगह पर, MSB अपने जगह पर, okay? तो ये हो गया तुम्हारा register। अब रजिस्टर का ही जो नेक्स्ट फेज है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रजिस्टर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ए फ्लिप फ्लॉप इज ए वन बिट मेमोरी सेल विच कैन यूज फॉर स्टोरिंग द डिजिटल डेटा, जो कि डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। टू इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बिट्स यू कैन यूज ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, सच ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर। द n-bit register will consist of n number of flip-flops and it is capable of storing an n-bit word। ये आपको बुक की बात हो गई, दोनों एक ही मुद्दा का बात कर रहा है, बात समझ गए। अब नेक्स्ट है तुम्हारा एक टॉपिक, इसमें उसको कहते हैं अपन लोग शिफ्ट रजिस्टर। तो शिफ्ट रजिस्टर
सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, शिफ्ट रजिस्टर का मतलब होता है जब से कि रजिस्टर बनाए ना, तो रजिस्टर में डाटा रखोगे, तो डाटा रखोगे और निकालोगे ना, तो होता क्या है रजिस्टर में, डाटा जो है एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में शिफ्ट होता है, अपने खुद के फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड हमको किधर से किधर डाटा शिफ्ट करना है, इसके हिसाब से अपन लोग क्या कहते हैं रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं कि किधर से डाटा डालेंगे और किधर से डाटा निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ डाटा ऑपरेशन रजिस्टर इज डिवाइडेड इन फोर टाइप्स ऑफ रजिस्टर, फोर टाइप का ऑपरेशनल रजिस्टर होता है। कहता क्या है, द लॉजिक सर्किट ऑफ ए शिफ्ट रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड इन कैस्केड फॉर्म एंड आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ऑल फ्लिप फ्लॉप आर रिसीव कॉमन क्लॉक पल्स दैट इनिशिएट शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। उसके बाद कहता है ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड टू प्रोवाइडिंग शिफ्टिंग ऑफ इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट और इन बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। तो जो रजिस्टर होता है ना, वो जो डाटा को अपने ही फ्लिप फ्लॉप्स में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट या दोनों डायरेक्शन में जो शिफ्ट कर सकता है, इसी कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इस चीज को क्या कहने लगते हैं, शिफ्ट रजिस्टर। मतलब ऐसा रजिस्टर जिसमें कि डाटा शिफ्ट होता है, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। तो कहता है ए शिफ्ट रजिस्टर इज कॉन्फ़िगर्ड इन फॉलोइंग मैनर, आप लिख देना कॉन्फ़िगर्ड इन फॉलोइंग मैनर्स। पहला है आपको सीसो, कैपिटल में लिखोगे SISO, इसका फुल फॉर्म होता है सीरियल इन सीरियल आउट। दूसरा होता है पीपो, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तीसरा है सीपो, सीरियल इन पैरेलल आउट, कोई एक छूटा है, चार होता है, सीरियल इन सीरियली आया, सीरियली निकल गया, पैरेलली आया, पैरेलली निकल गया, सीरियली आया, पैरेलली निकल गया। एक होगा पीसो, PISO लिखोगे, PISO, इसमें होगा पैरेलल इन सीरियल आउट, समझ गए। ये जो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जरूरत पड़ता है, कब कैसे पड़ता है वो अभी हम लोग देखेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल तुमको देते हैं, होता क्या है, देखो तुमने कीबोर्ड से दबाया वन ए, कोई भी की दबा दिया, तो अगर तुम की दबाए ए तो ए कंप्यूटर में कैसे गया, ए बाबू आपने दबाया ए, तो इसमें कोई जो है प्रोसेसर लगा हुआ है, प्रोसेस करने के लिए, मतलब प्रोसेसिंग डिवाइस कीबोर्ड में होगा या मदरबोर्ड में होगा, जो क्या होगा इससे एक सिग्नल लेगा। अब वो सिग्नल लेने के बाद पहले तो एक इसमें बदलता होगा, 65 में बदलता होगा, मतलब यहाँ पर बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर लगे हुए होंगे, तो ये सिग्नल भेजता होगा एक मल्टीप्लेक्सर के पास, वो देता होगा कि कहता होगा ये जो है ए दबाया है, मतलब 65 दबाया है। अब 65 के बदले क्या होगा, मल्टीपल आउटपुट निकलेगा, मल्टीपल आउटपुट निकलेगा, मतलब अगर मेरा 32 बिट का इन्फॉर्मेशन ये लेता है तो ए को 32 बिट में रिप्रेजेंट करेगा, चाहे 65 का बाइनरी तुम्हारा 4 बिट में आता हो, लेकिन ये क्या करेगा 32 बिट में निकालेगा। अब 32 बिट का जो डाटा है वो अगर मान लो निकल के जा रहा है, कीबोर्ड में सिर्फ दो वायर लगा हुआ है, जो लैपटॉप में तुम नहीं देख सकते हो, लेकिन जो एक्सटर्नल कीबोर्ड होता है उसको तो देख सकते हो, यूएसबी से कनेक्ट किए हो। अब यूएसबी के थ्रू देखो तुम्हारे सिर्फ ए प्रेस करने पे 32 बिट डाटा आ रहा है, 32 बिट। तो बताओ 32 बिट क्या एक साथ आ सकता है, नहीं ना सकता है, लेकिन जो तुम्हारा वो स्टोर किया था कीबोर्ड में तो 32 बिट स्टोर किया था। अब 32 बिट वहां स्टोर हुआ है, लेकिन जब वहां से निकल के आएगा तो एक एक करके निकल के आएगा ना, तो मतलब जब डाटा स्टोर हुआ तो पैरेलली स्टोर हो गया, लेकिन जब वहां से निकला तो सीरियली निकलेगा, कैसे निकलेगा, सीरियली निकलेगा, एक एक करके निकलेगा। फिर जब कंप्यूटर के प्रोसेस के पास पहुंचेगा, मदरबोर्ड के पास पहुंचेगा, तो मदरबोर्ड उसको एक एक करके थोड़ी प्रोसेस करेगा, मदरबोर्ड पहले उसको अपने रजिस्टर में क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो यहां पर डाटा कैसे आ रहा है, एक एक करके आ रहा है, डाटा आ रहा है एक एक करके, लेकिन पूरी तरह से उसको स्टोर होने में क्या हो जाएगा, वो फिर आएगा एक एक करके, लेकिन स्टोर हो जाएगा कैसे, कंप्लीट फॉर्म में 32 बिट के। तो मतलब अब जब उसको देगा वो सीपीयू को, तो कितने बिट में देगा, एक बार में 32 बिट दे सकता है। इसको समझाने के लिए एक बार थोड़ा एक्सेल कोड दिखा,
शिफ्ट रजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखते हैं। ये तुम्हारा चार फ्लिप फ्लॉप है, एक फ्लिप फ्लॉप, दो फ्लिप फ्लॉप, तीन फ्लिप फ्लॉप, चार फ्लिप फ्लॉप। मतलब क्या होगा, चारों जो है डी फ्लिप फ्लॉप है, जस्ट रिमेम्बर इट, ये चारों क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप है। रजिस्टर कभी भी बनता है तो डी फ्लिप फ्लॉप से बनता है, डी फ्लिप फ्लॉप, ये चारों जो है डी फ्लिप फ्लॉप है। अब चार को डी फ्लिप फ्लॉप है, इसका मतलब क्या हो गया, ये चार बिट रख सकता है। मतलब क्या है, अगर तुम यहां रख दिए वन, उसके बाद यहां रख दिए वन, यहां रख दिए वन, मतलब इस फ्लिप फ्लॉप के क्यू वाले आउटपुट पर अगर आपको मिल रहा है वन 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 वन, तो चार बिट ऑफ इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक दो चार आठ, आठ सात पंद्रह, मतलब इस रजिस्टर में जो डाटा स्टोर है कितना स्टोर है, 15। उसी तरह से अगर यहां पर क्या हो, जीरो हो, तो क्या आप समझोगे इस रजिस्टर में क्या कितना डाटा स्टोर है, आठ तीन ग्यारह। तो ऐसे कंप्यूटर में रजिस्टर में डाटा स्टोर होता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप की कैपेसिटी एक ही बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करने की होती है, ठीक है। लेकिन जब मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप को मिला देते हैं तो दैट इज कॉल्ड ए रजिस्टर, और वो रजिस्टर जिस रजिस्टर में डाटा को शिफ्ट करने की कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। तो शिफ्टिंग का जो भी हम कहानी बोल रहे थे वो क्या था, तुमको वो देख रहे थे। अब देखो कहानी क्या है, नंबर ऑफ पोर्ट्स की बात होती है कि डाटा कैसे इस रजिस्टर में हम इंसर्ट करेंगे और कभी हम डाटा कैसे निकालेंगे। अगर हमारा सारा डिवाइस एक ही जैसा होता ना, तो फिर इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता। एक्चुअली सारे डिवाइसेस तो हमारे अलग अलग है ना, जिसकी डाटा लेने की कैपेसिटी अलग है और डाटा देने की कैपेसिटी अलग है, इसलिए हमें रजिस्टर को जो है चार डिफरेंट तरीके से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि कोई दो डिवाइस है, जिस दो डिवाइस के बीच में डाटा का बाइनरी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है, बाइनरी इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। अब चलो चलो एक चीज और दिखाते हैं। मान लो ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जिसके अंदर ये लगा हुआ है, ओके, और ये दूसरा डिवाइस है, ठीक है, ये क्या है आपका दूसरा डिवाइस है। तो अगर आप इस डिवाइस से डेटा को, मान लो यहां पर स्टोर है वन 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 वन, अब क्या है, दो डिवाइस है, अब तुमको डाटा ट्रांसफर करना है, यही समझ लेंगे कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डाटा जाएगा तो कैसे जाएगा, या यहीं से तुम आउटपुट ले लो, ले या तुम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डालने की बात करो। अब कहानी क्या आता है कि अगर तुम इसको एक ऐसा पाइपलाइन दे दो जिससे कि क्या हो, डाटा आपका जो है, जैसे कि मैं बोलूं कि क्या है ना, जैसे मैं बोलूं कि इससे डाटा डायरेक्टली इसमें चला जाए, ठीक है, इससे डाटा डायरेक्टली इसमें चला गया, इससे डाटा डायरेक्टली इसमें चला गया, इससे डाटा डायरेक्टली इसमें चला गया, ठीक है। अब क्या है, ये चारों डाटा इसमें चला गया, आप कहते क्या है, ध्यान से देखना, मतलब ये एक रजिस्टर है जिस रजिस्टर में मेरे पास डाटा आने के लिए कितने लाइन है, चार इनपुट लाइन है, चार डिफरेंट इनपुट लाइन है, एक दो तीन चार, ठीक है, और निकालने के लिए अभी कितने इनपुट लाइन है, चार इनपुट लाइन है, क्योंकि ये जो कनेक्टेड था वो कनेक्टेड था किस चीज से, इससे। तो ये हो गया, देखो पैरेलली चारों एक साथ घुसा, मतलब पैरेलली घुस गया, तो पैरेलल इन, और इससे जो डाटा निकल रहा है वो पैरेलली निकल रहा है, तो पैरेलल आउट। डाटा कैसे निकला, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, ओके, मतलब चार बिट का है तो चारों बिट एक साथ घुसा और चारों बिट एक साथ निकल सकता है। लेकिन अब देखो दूसरे सिनेरियो पे ध्यान देना, अब हम कहते क्या है कि यहां से जो डाटा निकलेगा ना सर,
वो पैरेलली ले तो सकता है, लेकिन निकलने के लिए इसके पास चार आउटपुट लाइन नहीं है, इसके पास आउटपुट लाइन जो है सिंगल है। इसके पास कितने आउटपुट लाइन है? इनपुट लाइन चार, मतलब पैरेलल इन, लेकिन आउटपुट लाइन जो है इसके पास कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक है। आउटपुट लाइन इसके पास कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक है। कितना है इसका आउटपुट लाइन? ओनली सिंगल। तो देखो ये जो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है, ये हो गया पैरेलल इन पैरेलल आउट, क्योंकि यहां पे मेरे पास ऑप्शन था, जैसे कि मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे डिवाइस है जो डाटा ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, तो सब सेम कॉन्फ़िगरेशन पर है, तो वो पैरेलल इन पैरेलल आउट का इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जस्ट एक सेकंड के लिए सोच लो कि जो है क्या है ना, ये जो है तुम्हारा मदरबोर्ड से डाटा निकल रहा है, सॉरी कीबोर्ड से डाटा निकल रहा है, कीबोर्ड में तो स्टोर है मल्टीपल बिट, लेकिन जब निकलेगा तो वायर से निकलेगा, और वायर की कैपेसिटी है यूएसबी है, तो यूएसबी एक बार में एक ही बिट सप्लाई कर सकता है। तो जब एक बार में एक ही बिट वो सप्लाई कर सकता है तो क्या होगा, अब इसको एक एक करके निकलना पड़ेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? पैरेलल इन सीरियल आउट। सेम कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ सकती है कि जो डाटा आ रहा है वो भी आ रहा है कैसे? पैरेलल सीरियली। कैसे आ रहा है? कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूं मैं इसको। तो इस केस में सिर्फ इस पे आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आगे पीछे कर दीजिएगा। तो हो गया ये वाला कॉन्फ़िगर, ये वाला जो है ना अपन को गायब करना है थोड़ा सा, ये दो एक साथ नहीं हो सकता है, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना कभी भी एक साथ मल्टीपल नहीं हो सकता है, बात समझ गए? वो जब भी होगा सिंगल होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सिर्फ इतना दूर पर आप लोग नजर रखिए, अभी अभी आपको नजर रखना है कितना दूर पर, इतना दूर पर। इसके नीचे वाले में जाकर के आप दिमाग मत लगाने लगिएगा, ये नीचे वाला अलग बात था। ये एक रजिस्टर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सीरियली डाटा लो और सीरियली डाटा निकाल दो, तो बात समझे? तो कितने भागों में इसको बांटा गया है? एक तरीका है जिसमें पैरेलली डाटा आता है और पैरेलली डाटा निकल जाता है, तो ये हो जाता है पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये जितने बिट का होगा उतना इनपुट लाइन होगा इसके पास, उतना आउटपुट लाइन होगा। ओके, उसके बाद होता है क्या, सीरियल इन सीरियल आउट, मतलब सीरियली डाटा लो और सीरियली डाटा निकाल दो। तो इसमें क्या होता है, एक ही इनपुट लाइन होता है और एक ही आउटपुट लाइन होता है। अब कॉन्फ़िगर इसी दोनों का मिक्सचर, यहां पे जैसे देख रहे हैं पैरेलली डाटा क्या हुआ, इनपुट हुआ, निकलेगा कैसे? पैरेलली डाटा इनपुट हुआ मतलब पैरेलल इन हुआ, निकला कैसे? सीरियल आउट। तो पैरेलल इन सीरियल आउट, सेम इसी तरह से होता है, सीरियली इन होगा और पैरेलली निकल जाएगा, तो सीरियल इन पैरेलल आउट। तो चार भागों में बटा है अपना शिफ्ट रजिस्टर, बात समझ गए? यही है आपका सिलेबस। तो कहता है एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, तो एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर का कहां कहां पे जरूरत पड़ता है, या रजिस्टर भी आप लोग लिख सकते हो। देखो रजिस्टर और शिफ्ट रजिस्टर में कोई बड़ा अंतर नहीं है, बस सीधा बात समझ जाओ, रजिस्टर बना है तो डाटा वो क्या करेगा, इनपुट आउटपुट करेगा ही, और जब इनपुट आउटपुट करेगा तो उसी को हम लोग शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं। ऐसा कोई रजिस्टर हम थोड़ी बना सकते हैं जिसमें डाटा क्या हो, ना इनपुट हो ना आउटपुट हो, उसका क्या करेंगे? उसका काम ही है मेरा डाटा स्टोरेज के लिए हम बना रहे हैं, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर और रजिस्टर सेम ही होगा। तो इस कहता है इट इज यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम फॉर टेम्पोररी स्टोरेज और इन्फॉर्मेशन, डाटा मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफरिंग। किसके किसके लिए जरूरत पड़ता है शिफ्ट रजिस्टर या रजिस्टर का? इसका जरूरत पड़ता है डाटा को टेम्पोररी स्टोरेज के लिए, ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन के लिए। जैसे कि तुम दो डाटा को जोड़ते हो, तो दो डाटा को जोड़ोगे तो क्या होगा, दो अलग अलग जगह जोड़े रखेंगे और उसके बाद फिर तीसरे रजिस्टर में उसको रखते हैं रिजल्ट को, तो डाटा के मैनिपुलेशन के लिए और डाटा ट्रांसफर करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह को डाटा अगर हमको सेंड करना है तो कहीं उसको स्टोर तो करना पड़ेगा टेम्पोररी। तो तीन मेन काम है, स्टोरेज इन्फॉर्मेशन, डाटा मैनिपुलेशन एंड डाटा ट्रांसफरिंग। इन एडिशन दे आर यूज इन काउंटिंग सर्किट, इसका इस्तेमाल काउंटिंग सर्किट में भी होता है, सच एज सिंपल काउंटर, वेरिएबल मोड, वेरिएबल मॉडुलो, मॉडुलस होगा, वेरिएबल मॉडुलस काउंटर, अप डाउन काउंटर एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर। मोटा मोटी समझ जाओ इसका काम तीन जगह है, डाटा स्टोर करने के लिए, या तो डाटा को मैनिपुलेट या प्रोसेस करने के लिए, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, और काउंटिंग डिवाइस बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड काउंटर होता है उसको कहते हैं। तो अब आते हैं हम लोग इस पे देखते हैं शीशों में कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं, शीशो जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं और क्या होता है। कहता है शीशो,
it accept data serially and produce output data in serial form, means one bit at a time. One bit at a time. The logic diagram of 4-bit CISO shift register is given below. देखो हमने क्या कहा है, ये है shift register, that is called CISO shift register. तो serially data लेगा और serially data निकालेगा. मतलब कहने का है कि अगर सीरियली डाटा ले रहे हो तो पहले हम डाटा को 4 बिट में स्टोर करेंगे, तब ना इसमें से कोई इंफॉर्मेशन आप लीजिएगा. जैसे मैंने तुम्हें कहा कि भैया मैं डाटा दे रहा हूं आपको 111, आप इसको जोड़ दीजिए 111 के साथ. तो 111 मैं अगर आपको एक एक करके दे रहा हूं तो आप जो डाटा स्टोर कीजिएगा तो पहले पूरा डाटा ले लीजिएगा, तब ना कोई प्रोसेस कीजिएगा या बीच से काम चला लीजिएगा. जैसे मैं बोलता हूं आपको कॉल करना है 8092057398 पर, तो जब हम पूरा डाटा दिए तो हम तो एक एक करके डाटा दिए, ऐसा है हम एक साथ पूरा डाटा तुमको दे दिए. हमने तुमको क्या दिया, डाटा सीरियली दिया. आप सीरियली डाटा आपको हम दिए, आपके काम के जरिए आपको क्या मिला, सीरियली मिला डाटा. अब सीरियल इन हो रहा है और सीरियल आउट हो रहा है, तो क्या करोगे, पहले पूरा नंबर तुम स्टोर करोगे तब ना कॉल करोगे. जैसे मोबाइल में ही दे रहे हो तो एक सीरियली डाटा डाले तो कॉल कब करोगे, जब कंप्लीट डाटा आ जाएगा तब ना. तो वही कहानी होता है सीरियल इन सीरियल आउट में, जब हम लोग बात करते हैं तो जो भी डाटा इसके इनपुट चैनल से दिया जाता है वो सीरियली दिया जाता है. यहाँ देखो, देख लो वो डायग्राम, ये है आपको इनपुट चैनल, यहाँ चाहो तो आप लोग एरो बना सकते हो, ठीक है. यहाँ पे वो आप एरो बना देना. देखो हमने बोला ये डी फ्लिप फ्लॉप है, तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एक ही इनपुट होता है डी, ठीक है, और आउटपुट हो गया तुम्हारा क्यू. क्यू बार में क्या है, उसमें क्या लेना देना है, हमको तो बस डी फ्लिप फ्लॉप पे काम करना है. क्यू बार का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, आउटपुट वही होता है जो आपके क्यू में है. और पहले ही हमने डिफिनेशन में दिया है कैस्केड स्टाइल में इसको कनेक्ट करते हैं, और होता क्या है, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट होता है, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट होता है, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट होता है. बात समझ गए, मतलब इसका आउटपुट इसका इनपुट, इसका आउटपुट इसका इनपुट, उसका आउटपुट इसका इनपुट, और जो फाइनल लास्ट वाला होता है वो होता है फाइनल आउटपुट. तो जब सीसो की बात करोगे, अब सीसो में थोड़ा सा तुमको ध्यान देने का बात क्या है कि इसमें जैसे डाटा घुसता कैसे है. जैसे तुमने यहाँ पे रख दिया इनपुट चैनल पर 111, एक बार में चारों डाटा थोड़ी यहाँ आ जाएगा, ये सिक्वेंशियली आएगा. ये डाटा इसके पास, फिर ये डाटा इसके पास, नया डाटा इसके पास, ये डाटा इसके पास, ये डाटा इसके पास, मतलब एक दूसरे को डाटा क्या करेगा, एंट्री करेगा एक एक करके, यहाँ से यहाँ घसको, यहाँ से यहाँ घसको, यहाँ से यहाँ घसको. एक बार में ऐसा नहीं है कि ये इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास और ये इसके पास. जैसे कि देखो जो शिफ्ट रजिस्टर है उसका जो पहला इनिशियल स्टेट है वो क्या है, चारों जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 0, मतलब कोई डाटा उसमें नहीं है. अब इसमें अगर आपको डाटा डालना है 111, तो करना क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा. इसमें देखो यहां पर देखना ये क्लॉक लगे हुए हैं, ये क्या लगे हुए हैं, ये एरो देना मस्ट है बाबू, ये एरो बना बताता है कि ये क्लॉक है, समझे. इनपुट में एरो मत दे देना, ये एरो एक्चुअली नहीं है, ये एरो जो होता है ना ट्रायंगल होता है, डीप ट्रायंगल बनाना, तो डिप ट्रायंगल ये बताता है कि इट इज ए क्लॉक पल्स. अब क्लॉक का तो तुम मतलब समझ ही गए थे कि क्या होता है, कि जब क्लॉक जीरो होगा तो कोई प्रोसेस ही नहीं करेगा फ्लिप फ्लॉप. अगर क्लॉक को प्रोसेस करवाना है आपको, फ्लिप फ्लॉप को डाटा चेंज करना है, तो क्लॉक को क्या करना पड़ता है, हाई करना पड़ता है. तो ये जो शिफ्ट रजिस्टर है तो इसमें क्या होता है, सारे में क्लॉक जुड़ा हुआ है. एक बार क्लॉक हाई करोगे तो सबका क्लॉक हाई हो जाएगा, मतलब सब एक साथ काम करेगा. मेरे बात को ध्यान से सुनना, स्किप करने की कोशिश मत करना इसको, इसको नहीं समझोगे तो काउंटर को नहीं समझोगे. मैं क्या बोला कि मान लो यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मान लो जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, इसके इनपुट और आउटपुट पर ध्यान दो. तो यहाँ पे डी जो है क्या दिए, वन दिए. एक बार डी में क्या दिए, वन दिए. यहाँ पे डी में बताओ क्या है इसका आउटपुट, इसमें अगर जीरो है तो इसके डी में क्या है, जीरो. इसमें क्या होगा, क्योंकि अगर इसमें जीरो है तो इसके डी में क्या हो रहा है, जीरो. अगर यहाँ जीरो है तो इसके डी में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. अब क्या कर रहे हैं तुमको, सारे का इनपुट अवेलेबल है, इनपुट लाइन मेरा फिक्स है. अब मैं आपको दिया क्लॉक, क्या दिया, क्लॉक दिया. तो जो ही क्लॉक दूंगा तो ऐसा थोड़ी है कि ये काम कर लेगा, फिर ये काम करेगा, फिर ये काम करेगा, फिर ये काम करेगा. सिंपली मान लो ये चारों बल्ब हैं और चारों बल्ब का स्विच मैंने यहां से एक ही स्विच दे रखा है, एक स्विच ऑन करूंगा तो चारों ना जल जाएगा, या इंतजार करेगा कि ये स्विच ये बल्ब जला कि नहीं जला, नहीं करेगा, क्योंकि क्लॉक देते ही ये चारों अपना काम कर देगा. और जब चारों अपना काम करेगा तो वो अपने इनपुट पर कौन सा डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से काम करेगा. देखो हुआ क्या, तुम कहीं से भी करो एक साथ करना है,
हम तो इंसान है ना, एक साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुमको ये बात समझना होगा कि सारा डाटा एक साथ काम कर रहा है और दोनों में अंतर क्या होगा वो ध्यान से देखना तुम। अगर यहाँ पे वन है तो मैंने इसे वन कर दिया, यहाँ जीरो था तो मैंने इसे क्या कर दिया, जीरो कर दिया, यहाँ जीरो था तो मैंने इसे जीरो कर दिया, यहाँ जीरो था तो मैंने इसे जीरो कर दिया, और यहाँ जीरो था यहाँ से मैंने जीरो बाहर निकाल दिया। तो पहला जब स्टेट आया तो वन शिफ्ट हो गया और एक जीरो निकल गया, बस समझ गए। दोबारा अगर इसमें हम क्लॉक डाले वन तो क्या होगा, अब फिर से क्लॉक इनिशिएट करता हूं। अच्छा चलो एक बार और, ये जो कहा मैंने अभी वन वन करने के लिए, तो इसका स्टेट तुम देख रहे हो क्या बन के आया, वन जीरो जीरो जीरो। लेकिन इसी जगह पर अगर तुम ये गलती कर दो कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये काम करवा लो, तब देखो क्या होगा। हम क्लॉक एक साथ दिए लेकिन तुम क्या किया, इसका वन इसको दे दिया। अब तुम कहोगे कि इसका आउटपुट तो सर ये है, तो तुम इसको वन को इसको दे देना, फिर इसको तुमको वन मिलेगा, तुम कहना इसको भी वन दे देते हैं, ये वन मिलेगा तुम कहना इसको भी वन दे देते हैं। तो क्या हुआ, एक वन आया और तुम्हारे चारों में आ गया वन 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 वन, तो देखे क्या स्थिति है। तो ये बात समझना सबसे इंपॉर्टेंट है शिफ्ट रजिस्टर में, कि पहले सबका इनपुट देख लो कि क्या है, और जब प्रोसेस करो तो उसके प्रीवियस को कुछ मत देखो, बस ये ध्यान रखो कि उसके इनपुट पे लेवल क्या है। अब चलो इसको हम लोग कंप्लीटली इंसर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो अब पहला तो इंसर्ट हो गया, आपका है आफ्टर इनिशिएटिंग सेकेंड क्लॉक, अब दूसरा क्लॉक देते हैं। एक क्लॉक दिए तो मेरा स्टेट वो था, दूसरा क्लॉक दोगे तो दूसरा क्लॉक दोगे तो क्या होगा, फिर से एक वन आ रहा है। ये कौन सा वन है, देखो ये पहला वन शिफ्ट हो गया, दूसरा वन दे रहे हैं, ये दूसरा वन है इसके पास। अब दूसरा वन दे रहे हो तो डी हो गया वन, समझ गए, सबका पहले डी तैयार करो, इसका डी हो गया वन, यहां पर वन था, देखो यहां पर वन था तो इसका डी क्या हो गया वन, यहां क्या था जीरो था तो इसका डी क्या हो गया जीरो, यहां जीरो है तो इसका डी क्या हो गया जीरो। अब ये सारा डी बना दिए, अब क्लॉक इनिशिएट किए, एक बार दिए वन 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 सब जगह पहुंच गया। अब जब सब जगह पहुंच गया तो सब अपना अपना डाटा ट्रांसफर करेगा, तो जब डाटा ट्रांसफर करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो इसके पास, ये जीरो इसके पास, ये वन इसके पास और ये वन इसके पास। अब स्टेट देखो क्या बन के आया, वन वन जीरो जीरो, क्लियर, सेकंड हुआ। अब थर्ड इनिशिएट करेंगे, मतलब जब मेरा दूसरा डाटा जा चुका है तीसरा वाला डाटा डाल रहे हैं, तीसरा वन, तो जब थर्ड क्लॉक दोगे तो पहले इसको डी को तुम मैनेज कर लेना, तो यहां वन दिए, इसमें वन था तो इसका भी डी वन, इसमें वन है तो इसका भी डी वन, इसमें वन है, इसमें वन नहीं है बाबू, ये देखो काटने के बाद हुआ है, इसमें जीरो था ना, यहां देखो इसमें देखो क्या है जीरो, यहां जीरो है तो यहां भी जीरो, क्लियर। अब क्लॉक जो ही वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन इसके पास, क्योंकि जो डाटा दोगे वही सेव होगा। उसके बाद ये वन इसके पास, ये वन इसके पास और ये जीरो इसके पास, तो फाइनली डाटा देखो तीन गो आ गया। अब चौथा क्लॉक पल्स, मतलब चार बिट अगर डालोगे तो चार क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले इसके इस स्टेट से डाटा को हम लोग डी तैयार कर लेते हैं। डी तैयार कैसे होगा, ये हो गया मेरा वन, चौथा जो बचा हुआ वन है इनपुट लाइन पर, ठीक है, इसके पास क्या था वन, इसमें देखो वन, तो इसको वन कर दिया, इसमें देखो क्या था वन, इसको भी वन कर दिया, यहाँ क्या अवेलेबल है वन, तो इसको भी क्या कर दिया वन, ओके, यहाँ पे जीरो है यहाँ वन कर दिया। अब जो ही क्लॉक पल्स इनिशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, ये वन इसके पास, ये वन इसके पास, ये वन इसके पास और ये वन इसके पास। अब देखो चार बिट था, चार क्लॉक पल्स दिए तो चारों वन इसमें क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो कहता क्या है, सीरियल इन सीरियल आउट में दोनों काम एक साथ नहीं होता है, पहले क्या होगा राइटिंग होगा, अभी डाटा स्टोर कर रहा है ना रजिस्टर, तो इट इज कॉल्ड राइटिंग ऑपरेशन, ये राइट हो रहा है, समझ गए। और जब तक राइटिंग चलेगा सीरियल इन सीरियल आउटपुट में, तब तक उससे आउटपुट आप नहीं ले सकते हैं, तो ये उस समय में आउटपुट को क्या किए रहता है, बांट किए रहता है, मतलब रिस्ट्रिक्ट किए रहता है। एक बार कंप्लीट डाटा इंसर्ट हो गया, अब आपकी मर्जी फिर से दूसरा डाटा इंसर्ट कर दो, कि इसमें से डाटा निकालना चाहते हो तो निकाल लो। ये इनपुट करने का प्रोसेस था, अगर आप चार बिट इंसर्ट कीजिएगा तो चार क्लॉक पल्स आपको देना पड़ेगा। फिर अब चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहता है सीरियल डेटा इज अप्लाइड एट डी, डी मतलब जो सबसे शुरू में हम तुमको दिखाए, इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में दिए, और कहता क्या है क्यू आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द डी इनपुट ऑफ द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, जो आप क्लियरली देख चुके हो, एंड क्यू आउटपुट ऑफ द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द डी इनपुट ऑफ द थर्ड फ्लिप फ्लॉप, एंड क्यू आउटपुट ऑफ द थर्ड फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द डी इनपुट ऑफ द फोर्थ फ्लिप फ्लॉप। जो क्या है, फिर से चलो फोटो दिखा देते हैं तुमको, डी इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द क्यू आउटपुट ऑफ द फर्स्ट का कनेक्ट है इसके साथ, फिर डी इनपुट ऑफ थर्ड इज कनेक्टेड विथ
सेकेंड आउटपुट, इसका डी इनपुट इसके क्यू इनपुट, डी इनपुट इसके क्यू आउटपुट से कनेक्टेड है, इसका डी इनपुट उसके क्यू आउटपुट से कनेक्टेड है, यही लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। अगला कहता है डाटा इज आउट फ्रॉम क्यू टर्मिनल। डाटा कहां से निकलता है? क्यू टर्मिनल जो सबसे लास्ट वाला है, मतलब जो एमएसबी वाला है, सॉरी एलएसबी वाला है टर्मिनल ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप। व्हेन सीरियल डाटा इज ट्रांसमिटेड इनटू द रजिस्टर, ईच न्यू बिट इज इनिशिएटेड इनटू फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एट द पॉजिटिव गेन एज। मतलब क्लॉक हाई को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव गेन एज, पॉजिटिव एज बोलो या क्लॉक हाई बोलो, ऑफ इच क्लॉक पल्स। जब जब क्लॉक हाई होगा तब तब क्या करेगा, इंसर्ट करेगा वो डाटा को। द फर्स्ट द बिट दैट वाज प्रीवियसली स्टोर बाय द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, द बिट दैट वाज स्टोर बाय द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप इज ट्रांसफर्ड टू द थर्ड फ्लिप फ्लॉप एंड सो ऑन। जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया वही चीज इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद कहता है कि द बिट वाज स्टोर बाय लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज शिफ्टेड आउट, तो कहता है शिफ्टिंग ऑफ डेटा 0101 इज सीसो, सॉरी शिफ्टिंग ऑफ डेटा 0101 इन सीसो रजिस्टर। ऊपर में जो एग्जांपल हम तुमको दिए हैं वो है 111, अब यहां जो दिखा रहे हैं वो है 0101, ताकि थोड़ा डिफरेंट डाटा आपको नजर आए। फर्स्ट रीसेट ऑल फ्लिप फ्लॉप टू द रजिस्टर दैट इज Q1 0, Q2 0, Q3 0 and Q4 0। मतलब क्या है, सबसे पहले जो रजिस्टर होगा मेरा इनिशियल पोजीशन उसको रीसेट कर दो, किससे, जीरो से। After that, transfer its bit according to the below table. क्या कहते हैं तुमको, जो ऊपर में हम करके दिखाए हैं वही यहाँ पर भी है। अगर तुम 0101 दोगे तो क्या होगा, ऊपर में दिखाए ही हैं, पहला वन इसको मिलेगा। तुम चाहो तो वैसे करके फिर से बना लेना, पहला वन इसको मिलेगा क्योंकि इसमें जीरो है, तो इसको जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो, फिर ये जीरो आएगा तो क्या होगा, यहाँ वन है तो इसको वन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ जीरो था तो इसको तो जीरो ही मिलेगा, इसको जीरो ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा वन। यही है कहानी कि क्लॉक पल्स, देखो शुरू वाला डाटा जो है मेरा सारा क्यू जो है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर जीरो है, मतलब इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो। सीरियल इनपुट अगर हमने यहां से लिया वन, यहाँ वन ले लिया, क्लॉक पल्स मेरा जीरो है तो ये रहा स्टेट। अगला कहता है कि क्लॉक पल्स है मेरा वन और सीरियल इनपुट मेरा क्या आ रहा है भैया, वन आ रहा है। प्रीवियसली डाटा जो था इसके पास क्या था, वन था। जो ही क्लॉक पल्स वन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वन इसके पास, ये जीरो इसके पास, ये जीरो इसके पास, ये जीरो इसके पास, सेम है। ऐसे ही करोगे फिर डाटा आ जाएगा तुम्हारा जीरो के वन के बाद जीरो, अगला क्लॉक पल्स जो ही दोगे तो क्या हो जाएगा, अगला क्लॉक पल्स देने के बाद ये जीरो इसके पास, ये वन इसके पास। तो ऐसे ही करते हुए आप इसको सीधी लाइन में बनाइएगा। ये लाइन थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है जिस वजह से देखो ये सब हो गया है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जीरो दे दिया तो यहां से एक लाइन छूट रहा होगा इसका 0101। ओके सही है, ऊपर में यही चीज यहां पे फिर से लिखा हुआ है, इन अबव टेबल वी कैन सी एट द इनिशियल स्टेट ऑफ रजिस्टर ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप स्टोर्ड 000 एंड आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स Q1 इज 0, Q2 इज 0, Q3 इज 0 एंड Q4 इज 0, मतलब चारों का आउटपुट जो है 0 है। एंड आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स स्टेट ऑफ रजिस्टर इज Q1 बराबर 0, Q2 बराबर 1, Q3 बराबर 0 एंड Q4 बराबर 0। यहां पे कुछ गलती किया है, Q1 0 है, Q2 1 कर दिया है, समझा? देखो जो फोटो में है वो देखो, Q1 1 है ना, यहां पर इसने क्या लिख दिया, एंड आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स। अच्छा ठीक है, सेकंड क्लॉक पल्स की ये बात कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्लॉक पल्स में जो है ये है 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0, सेकंड क्लॉक पल्स में ये है, थर्ड क्लॉक पल्स में ये है, वही चीज इसमें ये लिखे हुए है, तो आप लोग इसको ठीक से देखिएगा। नाउ बाय अबव प्रोसेस रजिस्टर कंप्लीट्स द सीरियल एंट्री ऑफ डेटा 0101
into the 4-bit CISO register. And when we want to retrieve the data from the CISO register, then we need to perform above operation once again by help of serial data entry 000. इसको अगर तुमको बाहर निकालना है नवाब, तो चारों में क्या करना पड़ेगा, जीरो एक्स्ट्रा डाल करके तभी तो बाहर निकलेगा। मतलब इसमें से डाटा निकालने का जो शर्त है वो यही है कि डाटा को आप शिफ्ट कीजिए, और शिफ्ट करने के लिए अगर मेरे पास कोई डाटा नहीं है तो जीरो भर लेते हैं, यूजनेस डेटा के वो भरना है ना, तो जितने बिट का है उतना जीरो तुमको उसमें शिफ्ट करना होगा। अगर चार बिट का रजिस्टर है तो चार जीरो उसमें शिफ्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली आउटपुट लाइन से एक एक करके सब निकलते चला जाएगा। एंट्री 000 एक और जीरो लगाना। देन वी ऑब्टेन ऑल इंटर्न डेटा इन सीरियल मैनर फ्रॉम द आउटपुट चैनल ऑफ द रजिस्टर दैट इज Q4। Q4 से जो निकलता है वो आउटपुट है ना, तो वही देखो यहाँ पर कोई किए हुए है, चार हम सीरियल डाटा डाल दिए, क्लॉक पल्स पहला। अभी स्टेट मेरा देखो क्या है, 0101, समझ रहे हो, 0101 निकालना है, तो पहला दिए, तो जो ही आप पहला दोगे तो क्या हो जाएगा स्टेट इसका, जीरो इसके पास जीरो, इसके ये जीरो इसके पास, ये जीरो इसके पास, ये वन इसके पास, ये जीरो इसके पास, तो पहले निकला वन, पहला इनिशिएट किए तो पहला क्या निकल गया, वन निकल गया। दूसरा इनिशिएट किए तो क्या निकल गया, जीरो निकल गया। तीसरा इनिशिएट किया तो क्या निकल गया, वन निकल गया। चौथा इनिशिएट करोगे तो क्या निकल जाएगा, जीरो निकल जाएगा, अकॉर्डिंगली इस कंडीशन के हिसाब से। तो मतलब समझ गए, सीरियल इन सीरियल आउटपुट में क्या होता है कि जितना बिट का डाटा तुमको देना है पहले वो एक एक करके स्टोर कर लो, और उसके बाद एक एक करके फिर से आउटपुट उसका लेना होगा, समझ गए। तो ये है आपका सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट में। ये थोड़ा रजिस्टर थोड़ा लंबा टॉपिक है, कोशिश करो रट्टा मारो कुछ करो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, इसको आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। क्या करें, बोर्ड उठाए नहीं, तो अगर कॉलेज उलेज खुल गया नेक्स्ट सेमेस्टर में भी चले जाओगे, कॉलेज में रहोगे, तो शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर को एक दिन हम लोग क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। या हम कोशिश करेंगे किसी दिन बोर्ड वाला क्लासरूम हमको मिल गया ना तो हम बोर्ड पे पढ़ा देंगे तुमको ये चीज। चलिए सीसो खत्म ही कर देते हैं इस रजिस्टर को, उसका तो अगला है तुम्हारा पीछो पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट। सॉरी ये तो चौथा आ गया, सीरियल हो गया, सीसो हो गया, सीसो हो गया, पैरेलल इन पैरेलल आउट, ये कोई बड़ा कंडीशन नहीं होता है। पैरेलल इन पैरेलल आउट में क्या होते हैं, जितने रजिस्टर है उतने इनपुट चैनल और उतने ही आउटपुट चैनल आपके होते हैं। मतलब चार अगर डाटा जाना है तो चारों के लिए इनपुट लाइन अलग है और चारों के लिए आउटपुट लाइन अलग है। इनपुट लाइन पे डाटा दे दो, क्लॉक हाई कर दो, तुम्हारा वो डाटा क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा रजिस्टर में एक ही बार में, ठीक है। अब इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसका आउटपुट लाइन क्योंकि चारों अलग ही है तो जब मन करे तब उससे तुम डाटा ले लो, आपकी मर्जी। बस इसमें क्या होता है, लोड करने के लिए डाटा जरूरत पड़ता है क्लॉक हाई करने का, बाकी कोई भी जरूरी नहीं होता है। इसमें आप अनलिमिटेड टाइम तक डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसका मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सीसो है ना तो उस डाटा को आप मल्टीपल टाइम रीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी बार उस डाटा को आप रीड करते हैं तो उसके पीछे से वो खाली हो जाता है। लेकिन पैरेलल इन पैरेलल आउट में ये कंडीशन नहीं है, पैरेलल इन पैरेलल आउट में आप मल्टीपल टाइम डाटा को रीड कर सकते हैं बिना डाटा को शिफ्ट किए। सिर्फ इसमें जो डाटा राइटिंग टाइम होता है उसी समय में क्लॉक हाई किया जाता है और इसमें डाटा इंसर्ट किया जाता है, निकालते समय जरूरी नहीं है शिफ्ट करने का। तो कहता है पीपो, दिस टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर इज कैपेबल टू स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन, इट टेक्स डेटा इनपुट इन पैरेलल फॉर्म एंड आउटपुट इन पैरेलल मैनर, इट हैज एन नंबर ऑफ इनपुट लाइन एंड आउटपुट लाइन अकॉर्डिंग टू देयर डिजाइन। मींस इफ इट इज 4 बिट पीपो शिफ्ट रजिस्टर देन हियर वैल्यू ऑफ एन इज 4। बात समझ गए, अगर ये 4 बिट का होगा तो इसमें 4 इनपुट लाइन होगा, 4 आउटपुट लाइन होगा, 4 फ्लिप फ्लॉप होगा। ओके, एक चीज इसमें और लिख दीजिएगा, कहता है पैरेलल इन पैरेलल आउट, इन पैरेलल आउट कॉन्फिगर्ड शिफ्ट रजिस्टर वी कैन ऑब्टेन स्टोर डेटा मल्टीपल टाइम, और we can use stored data multiple time because in this type of shift register there is no need to
shift its data at the time of reading. Only shifting is needed at the time of writing data into the parallel out register. Okay? It's the advantage of PIPO. Full stop. ये लाइन भी आप इसमें लिख दीजिएगा, बात समझ गए ना? ये इसका एडवांटेज है, आउटपुट लाइन से जब जब निकालोगे तो क्यू से तो डाटा निकलते चला जाएगा ना, इसकी मजबूरी नहीं है शिफ्ट करना आउटपुट से, बस लोड जिस समय में डाटा करते हो उसी समय में क्या होता है, ये सारा डाटा इससे इसमें से निकल करके इसमें शिफ्ट हो जाता है, तो सिर्फ लोड टाइम पे डाटा शिफ्टिंग इसमें होता है, निकालते समय शिफ्टिंग नहीं होता है, निकालना जब जितना बार मन करे उतना बार निकालो। उसके बाद कहता है PIPO shift register change its data when clock is high and data is available at input data line and it store this data until data is not changed by the some process. PIPO shift register is used in computer as volatile memory unit. जब भी data store computer करने की बात करता है तो वहां पर PIPO ही लगता है, बात समझ गए ना? Processing के लिए PIPO ही use होता है। डाटा को जब ट्रांसफर करना पड़ता है ना किसी डिवाइस में, वहीं पे सीसीओ सीपीओ सीरियल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब सीसीओ की बात आएगी तो वो स्लो होगा, क्योंकि एक एक करके निकालेंगे तो स्लो हो ही जाएगा ना, सीधा बात समझ जाओ ना। अगर मेरा कोई फील्ड है जो कि पूरा खाली है और कहते हैं 1000 आदमी को आ जाओ तो 1000 एक साथ आ जाएगा, एक सेकंड में आ जाएगा, वही फील्ड को बाउंड्री लगा कर एक गेट लगा दें तो अब जब 1000 डाटा आएगा तो क्या हो जाएगा, लाइन में लग जाओ। तो आया था भीड़ कैसे सीरियली, लेकिन मैंने इनपुट करने के लिए उसे क्या कर दिया, सॉरी आया था भीड़ पैरेलली, सब पैरेलली आ रहा था, लेकिन जो ही इनपुट चैनल पे आया उस फील्ड के गेट पे मैंने उसे क्या कर दिया, सीरियल कर दिया, एक एक करके स्लो हो जाएगा ना। तो यही कॉन्सेप्ट है पैरेलली और सीरियली जॉब का, सीरियली और अब क्या है फील्ड से निकलने के लिए एक एक करके निकलेगा, लेकिन उसके बाद सब एक के साथ जाओ उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, तो सीरियली निकलो और पैरेलली आउटपुट, सीरियली इनपुट और पैरेलल आउटपुट। तो बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको PIPO की। तो कंप्यूटर के अंदर में जितने भी डिवाइसेज हैं वो आपस में PIPO से ही कम्युनिकेट करते हैं, बस उससे बाहर का जो कुछ डिवाइसेज है ना, जैसे पेन ड्राइव लगा दोगे तो उसकी कैपेसिटी है 32 BT एक बार में स्टोर ट्रांसफर करने का, बेचारा को तो देना ही पड़ेगा ना सीरियली डाटा, और सीरियली देगा तो स्लो होगा, बात समझ। अब बहुत तरह का कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है, जैसे कि 4 BT का डाटा ट्रांसफर कर रहा है, 4 BT कर रहा है लेकिन वो कंप्लीट सीसो है, सॉरी पैरेलल आउटपुट दे रहा है 4 BT में दे रहा है, लेकिन उसको फिर क्या करना होगा, डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वायर के थ्रू जा रहा है तो 4 BT में जा रहा है और जो एक्चुअल है रजिस्टर वो तो 32 BT का है। तो ये सब चीजों पर बाद में ध्यान देंगे, अभी बस इसको थ्योरिटिकली कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कहता है सीपो सीरियल इन पैरेलल आउट, इसमें क्या होगा, डाटा सीरियली आएगा और पैरेलली निकलेगा। तो अगर अपन लोगों ने ये दोनों कर लिया ठीक से, अगर आपका सीरियल इन सीरियल आउट पैरेलल इन पैरेलल आउट हो गया तो फिर अब चारों पढ़ने का तो आपको जरूरत ही नहीं है। सीपो मतलब इनपुट मैकेनिज्म सीरियल इन, तो जो सीरियल इन सीरियल आउटपुट का इनपुट मैकेनिज्म था वो हो गया, और पैरेलल आउट मतलब जो पैरेलल इन पैरेलल आउट का पैरेलल आउट मैकेनिज्म था वो हो गया, सीरियल इन पैरेलल आउट को मिला दो तो बन जाएगा सीरियल इन पैरेलल आउट। तो क्या कहता है, इन दिस टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर डाटा इज देखो इसमें लिखा हुआ है इन दिस टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर डाटा इज इंसर्टेड इनटू रजिस्टर सीरियली बट data stored in register is shifted out in parallel form once the data bit is stored its bit operand on its respective output line and all bits are available simultaneously rather than one bit by one bit basis as with the serial output. The serial in parallel output shift register can be used CISO if the output is taken from Q terminal of the last flip-flop.
कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, मेरे को इसको पढ़ लेने दो। कहता है देखो यहाँ तक की बातें तो समझ गया आप लोग, इन दिस टाइप ऑफ रजिस्टर डाटा इज इंसर्टेड इन टू द रजिस्टर सीरियली बट डाटा स्टोर इन रजिस्टर इन बट डाटा स्टोर इन रजिस्टर इज शिफ्टेड आउट इन पैरेलल फॉर्म। ओके यहां तक क्लियर है, यहां देखते हैं क्या कर दिया है। वंस द डाटा बिट्स आर स्टोर इट्स बिट्स, इसका जो बिट्स है इट्स बिट्स एपरेंट लिखा हुआ है, एक्चुअली एपरेंट से बना हुआ वर्ड है, आप लोग यहां पर लिख देना इट्स बिट्स अवेलेबल ऑन इट्स रिस्पेक्टिव आउटपुट लाइन। तो क्या हो जाता है, एक बार डाटा अगर स्टोर हो गया तो फिर उसके आउटपुट लाइन पर, रिस्पेक्टिव आउटपुट लाइन पर वो क्या हो जाता है, अवेलेबल होता है, अवेलेबल ऑन इट्स रिस्पेक्टिव आउटपुट लाइन एंड ऑल बिट्स आर अवेलेबल साइमल्टेनियसली। कोई बात नहीं, दोनों जगह अवेलेबल है तो भी ठीक है, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, एक साथ सारा बिट क्या है अवेलेबल है, क्योंकि ये क्या है पैरेलल आउट है, सीरियली आया लेकिन पैरेलली निकालेंगे तो पैरेलली मतलब साथ साथ हमको सारा डाटा का जरूरत पड़ेगा, तो सारा डाटा साथ में अवेलेबल होता है रादर देन वन बिट बाय वन बिट बेसिस, जो कि सीरियल इन सीरियल आउट में क्या होता वन बाय वन करके होता, लेकिन यहां पर क्या हो जाता है वही चीज वन बाय वन करने के बजाय वही चीज वन बाय वन करने के बजाय एक साथ निकल सकता है। ठीक है, द सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर कैन बी यूज्ड सीसो इफ द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द क्यू टर्मिनल ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप। ये क्या कह रहा है एक बार हमको देखने दो, क्या कह रहा है, लिख देता है रेदर देन वन द सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर कैन बी यूज्ड सीसो इफ द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप। ओके ओके, देखो कह क्या रहा है ये कि जो है ना सीपो जो है वो बहुत बढ़िया है, सीपो आप तो ऐसे निकाल ही सकते हैं कि सीरियल इन पैरेलल आउट करके आप डाटा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो सीपो को एज ए सीसो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन वैसा तो है ही ना, जैसे यहां से डाटा घुसेगा तो यहां से अगर एक मात्र निकालो, सबसे नहीं निकालो, इससे निकालते जाओ तो इसको क्या हो जाएगा सीरियल इन सीरियल आउट हो जाएगा। तो यही कहता है ये कि the serial in parallel out shift register can be used as CISO, ठीक है, used as CISO, as लगा देना, if the output is taken from the Q terminal of the last flip flop, मतलब जब last flip flop के Q terminal का इस्तेमाल करके तुम सिर्फ output निकालोगे तो ये तुम्हारा configure हो जाएगा किसके तरह, CISO के तरह, वही कह रहा है ये। अब इसमें जो है कहानी, अगर तुम लोग इतना लिख लिए तो अपने से दिमाग लगा के अगर डाटा डाल के निकाल के देखोगे और दिक्कत हो तो हमको बताना, नहीं हो तो बहुत बढ़िया, बस इसमें देख लो कनेक्शन कैसे बना हुआ है, एक बार हमको दिखा देते हैं। देखो क्लॉक पल्स तो सबको एक ही बार में मिलेगा, तो इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, बस समझ गए। लेकिन जब डाटा इसमें जा रहा है तो एक ही लाइन है, एक लाइन इसमें आया, ठीक है, गलत है इसका डायग्राम, इसका डायग्राम गलत है, मत बनाना ये सीचो का डायग्राम जो है ना गलत है, इसका जो डायग्राम होगा देखना कैसे होगा, ये पूरी तरह से गलत है डायग्राम, ये डायग्राम आप नहीं बनाएंगे, मैं इसका डायग्राम आपको दोबारा बना के भेज देता हूं, ये तो कंप्लीट गलत है इसका लॉजिक डायग्राम, शीशो है ना, शीशो कहाँ है,
ठीक है, थ्योरी सही लिखा हुआ है, सीसो शिफ्ट रजिस्टर यूज सीसो टेक्निक फॉर डाटा स्टोरेज, डाटा स्टोर करेगा किसके लिए जैसा, सीसो के जैसा, निकालेगा किसके लिए, किसके जैसा, पीपो के जैसा, पैरेलल आउटपुट के जैसा। तो पैरेलल आउटपुट के तरह डाटा निकालना है, मतलब दोनों काम इसका अलग अलग होता है। जिस समय में डाटा स्टोर होगा उस समय में सिर्फ स्टोर होगा, ये नहीं है कि उसका स्टोरेज रोक करके तुम दूसरा काम कर दोगे। इसलिए एक बार में सिर्फ एक ही ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है। एक बार डाटा स्टोर हो गया तो रीड जितनी बार तुम करना चाहते हो कर लो, क्योंकि आउटपुट पैरेलली दे रहा है ना। तो जब भी पैरेलली आउटपुट देगा तो शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी डाटा निकालने के लिए, समझे। तो कहता है सीसो शिफ्ट रजिस्टर यूज्ड सीसो शिफ्ट रजिस्टर यूजेज सीसो टेक्निक फॉर डाटा स्टोरेज। ओके, आपका जो ये डायग्राम है मैं चेंज करके आपको भेज दूंगा, उसको बनाइएगा, ये मत बनाइएगा। इसका कहानी क्या है? पैरेलल इन शिफ्ट सीरियल आउट। तो पैरेलल इन सीरियल आउट मतलब दो का कॉम्बिनेशन है। जैसे पैरेलल इन पैरेलल आउटपुट का जो पैरेलल इनपुट टेक्निक है वो ले लो, और निकालते समय कौन सा टेक्निक ले लो, सीसो वाला टेक्निक ले लो, सीरियल आउट कर दो। तो पीसो क्या है, पैरेलल इन लेना है मतलब पैरेलल इनपुट लाइन होगा, सीरियल आउट मतलब एक ही आउटपुट लाइन होगा। अब दोनों का टेक्निक है तो दो टेक्निक तो लगेगा ही। डाटा स्टोर करते समय एक ही क्लॉक पल्स देना है, चाहे सारा डाटा इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन जब डाटा तुमको रीड करना है उस समय में तुमको सारे ऑपरेशन को क्लोज करना होगा, क्योंकि रीड करने के लिए इसका सारा डाटा क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, तभी ना डाटा रीड कर पाओगे। तो कहता है पीसो पैरेलल इन सीरियल आउट फॉर पीसो शिफ्ट रजिस्टर डाटा बिट्स आर इंसर्टेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव स्टेज ऑन पैरेलल लाइन रादर देन ऑन ए बिट बाय बिट बेसिस ऑन वन लाइन एज विथ सीरियल डेटा इनपुट, बट द डाटा बिट्स आर, बिट्स का स्पेलिंग देख लेना, डाटा बिट्स आर ट्रांसफर्ड आउट ऑफ द रजिस्टर सीरियली, निकलेगा कैसे, सीरियली, दैट इज ऑन ए बिट बाय बिट बेसिस, मतलब एक एक बिट करके निकलेगा, ओवर ए सिंगल लाइन। दिस शिफ्ट रजिस्टर यूजेज एन एक्स्ट्रा लाइन दैट इज कॉल्ड शिफ्ट लोड लाइन दैट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डेटा इन द शिफ्ट रजिस्टर। इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन लगता है जो कि काम करना करता है क्या, उसका एक्स्ट्रा का काम पड़ेगा ही ना। देखो इसमें ही नहीं, पीसो में ही नहीं, सीपो में भी लगता है वो एक्स्ट्रा लाइन। एक्स्ट्रा लाइन करने का मतलब क्या है, वो एक्स्ट्रा लाइन का काम यही है कि जिस समय में डाटा डाल रहे हैं ना तो पता होना चाहिए डाटा डाल रहे हैं, तो कोई निकालने की कोशिश मत करो, क्योंकि अभी जो है राइटिंग प्रोसेस चल रहा है तो रीडिंग प्रोसेस नहीं होगा, समझे। और जब डाटा रीड होने लगे तो राइटिंग प्रोसेस नहीं होगा, तो वो लोड लाइन यही कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा होता है, तो मतलब मोटा मोटी कंसेप्ट है। इसका भी जो है तुम्हारा डायग्राम सही नहीं है, वो मैं आपको कर दूंगा, लेकिन इसमें सीधी बात समझ लीजिए, जितना बिट है उतना इनपुट लाइन, लेकिन निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट लाइन। इतना लिख दीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन जो आता है वो सिंपली एक ही चीज पूछता है, इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछता है आपसे ये रजिस्टर वगैरह। आपसे सिंपली पूछेगा व्हाट इज रजिस्टर, क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज रजिस्टर, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर। तो अब आप उसको कैसे आंसर कीजिएगा आप खुद समझ जाइए, क्योंकि बेसिक थ्योरी आपको पता होगा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट योर रजिस्टर। बस इसमें क्या है ना, अपन को तुमको दो डायग्राम बनाना था ना, तुमको हम डायग्राम तुम्हारा भी अपलोड कर ही देते हैं, दिखा ही देते हैं तुमको। ये देखो, ये है तुम्हारा सीरियल इन सीरियल आउटपुट का ब्लॉक डायग्राम। डाटा सीरियली आ रहा है और सीरियली निकल रहा है, तो ब्लॉक डायग्राम को तुम ऐसे बना लोगे, बाकी जो है वहां तो है ही, लेकिन ये आपका हो गया ब्लॉक डायग्राम। ओके, सीरियल इन सीरियल आउटपुट का। अब देखते हैं नेक्स्ट, कर्सर का आ गया। ये है डाटा सीरियल इन हो रहा है, डाटा क्या हो रहा है, सीरियल इन, और निकल रहा है कैसे, पैरेलली। इट
विच इज योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीरियल इन पैरेलल आउट। तो इसका जो है मेन डायग्राम जो है आपका, उसको बदल लीजिएगा आप लोग सीरियल इन पैरेलल आउट का भी। कोई दिक्कत हो फिर भी तो हमको बताइएगा। ओके नेक्स्ट, ये हो गया आपका सीरियल इन पैरेलल आउट। डायग्राम बना दिए वही काफी है। पैरेलल इन पैरेलल आउट, और ये रहा फाइनली आपका पैरेलल इन पैरेलल आउट। चारों डायग्राम को सही से बना लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन जो है लिखना जो है ना आपको, सिर्फ दो का लिखिएगा, सीरियल इन सीरियल आउट को लिख लीजिएगा, पैरेलल इन पैरेलल आउट को लिख लीजिएगा। सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट समझ गए ना, तो बाकी फिर एमसीए में भी तो पढ़ना ही है। पैरेलल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट को बेहतर तरीके से कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा। नेक्स्ट क्लास अपने लोगों का है काउंटर, ठीक है। थैंक यू। इसको दो तीन बार में देख लेना, देखो क्लास बहुत लंबा हो गया, तो जरूरी नहीं है कि तुम एक बार में खत्म कर लो, 10-10 मिनट करके खत्म कर लो, या तो एक बार में रजिस्टर खत्म कर लो, उसके बाद एक बार उसके जो टाइप्स हैं तो एक एक टाइप करके, चारों टाइप को एक एक करके अलग अलग दो तीन दिन में तुम लोग खत्म कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अपना काउंटर है। चलो गुड नाइट।